26 रन पर 6 विकेट गिरने के बाद बांग्लादेशी बैटर्स का जबरदस्त फाइट बैक। सातवें विकेट पर लिटन दास और मेहदी हसन ने 165 रन की शराकत कायम की। मेहदी हसन ने 78 रन की इनिंग्स खेली। नवे विकेट पर लिटन दास और हसन महमूद के दरमियान 69 रन की पार्टनरशिप हुई। लिटन दास सेंचुरी के बाद पेविलियन पहुंचे। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हुई। सिर्फ 12 रन के खसारे का सामना। खुर्रम शहजाद की 6 विकेटें। मीर हमजा, सलमान अली आगा ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी फील्डर्स की जानिब से 3 ड्रॉप कैचेस ने भी बांग्लादेश को इस स्कोर तक पहुंचने में मदद दी। बांग्लादेशी बैटर लिटन दास मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने आहनी दीवार बन गए। तमाम पाकिस्तानी बॉलर्स का जमकर मुकाबला किया। मेहदी हसन और हसन महमूद के साथ शराकतों के जरिए न सिर्फ टीम को संभाला बल्कि सेंचुरी भी जड़ दी। 4 छक्कों और 13 चौकों से मुजयन इनिंग्स के जरिए वो 138 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन बनाए। नेशनल इंटरेस्ट पे तमाम पार्टियों को मुदाखलत करने चाहिए, बाशमूल एरी बेंसन। जिस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उनको लीड लेनी चाहिए और वो इनिशिएटिव। अगर मुजाकरात हो रहे हैं तो इसकी शुरुआत तो कयादत वजीर आजम शहबाज शरीफ को करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का मशवरा, कहा कि मुजाकरात का होना बहुत अच्छी बात है। तमाम सियासी जमातों बशमूल तहरीक इंसाफ सब के दरमियान मुजाकरात होने चाहिए। कौमी मफाद में वजीर आजम जो भी कदम उठाएंगे पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की सीनियर क़यादत ने नून लीग से ना कोई मुज़ाकरात किए, ना ख्वाहिश है, ना कोई ऑफर दी, ना ही कोई फेवर मांगा। कोई पीटीआई रुकन असेंबली लीगी क़यादत या रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए राबते में नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की स्पीकर से मुलाकात के हवाले से जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा स्पीकर कौमी असेंबली से किसी भी मुज़ाकराती अमल पर गुफ्तगू नहीं हुई। कौमी असेंबली की कार्रवाई से मुतल्लिक स्पीकर से मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होती है। रियासत के मफाद में पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट बातचीत बहुत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का इंटरव्यू में इजहार ख्याल, कहा उम्मीद है और दुआ है कि फौज और पीटीआई में डेडलॉक मजीद बरकरार ना रहे। हमारी पोजीशन हमेशा यही रही है कि हम उनके साथ इंगेज होना चाहते हैं। फौज के साथ डेडलॉक खत्म करने के लिए पीटीआई जो कर सकती थी वो किया। फौज के साथ बातचीत भी आइन के दायरे कार में होगी। तमाम इदारे आइनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। जेल में आपके लीडर हैं लिहाजा मुजाकरात और पांव पकड़ने की ज़रूरत आपको है। हमें आपसे बात करने या आपका चेहरा देखने का भी कोई शौक नहीं। वज़ीरे इत्तला'आत पंजाब अज़मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयान पर रद्दअमल, कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस भी आए, विफाक और पंजाब में हुकूमत भी बनाई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी पंजाब के आवाम की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ है। जो गढ़े आपके लीडर खोद कर गए शहबाज शरीफ उनको पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शकील खान ने खुद पर लगाए गए करप्शन के इल्जामात की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा वो इल्जामात से मुतालिक नैब इंक्वायरी के लिए भी तैयार हैं। वो 8 सितंबर जलसे तक खामोश हैं, जलसे के बाद मौकिफ अवाम के सामने रखेंगे। शकील खान ने कहा बदउनवानी के लिए बनाई गई गुड नहीं बल्कि बैड गवर्नेंस कमेटी है। आरिफ अलवी ने बानी पीटीआई से जल्द मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई है। बानी पीटीआई को मुलाकात में सब बताऊँगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर महकमा समाजी बहबूद मशाल यूसुफजई से कलमदान क्यों वापस लिया गया? पार्टी के अंदर मुखालिफत की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मशाल यूसुफजई के खिलाफ बानी पीटीआई को सीनियर क़यादत की जानिब से शिकायत मिली। पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बानी पीटीआई के कहने पर डी नोटिफाई मशाल मैसेज अली अमीन गंडापुर को भेजा। पार्टी ज़राए के मुताबिक मशाल यूसुफजई पर गैर तसली बख्श कारकर्दगी, पार्टी के मरकजी मामलों में मुदाखलत पर एतराज़ और हर जगह बुशरा बीबी का नाम इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि मशाल की ना काबीना में कारकर्दगी थी ना पार्टी को कुछ फ़ायदा दिया। उन्हें नहीं पता कि इनकी पार्टी में क्या खिदमत है।
अवाम की मुश्किलात का एहसास है, हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फीन को बिलों की मद में एक बड़ा रिलीफ दिया गया। आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की गई। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी के भी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, फिश के बाद मूडीज ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मुस्बत माशी इशारियों का एतराफ़ है। शिमाली बलूचिस्तान में तबाहकुन तूफान, बारिशों और पहाड़ों से आने वाले रेलों ने तबाही मचा दी। कई अजला में फोन, इंटरनेट और बिजली मौतल। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और ज्यारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। क्वेटा से चमन के लिए मुसाफिर ट्रेन सर्विस मौतल। रेलवे हुकाम का कहना है कि शिलाबाग पर रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रेन सर्विस मौतल हुई। ट्रैक की क्लियरेंस का काम जारी है। चमन मुसाफिर ट्रेन की बहाली में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। क्वेटा से अंदरून मुल्क के लिए जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल पहले ही मौतल है। मंचर झील के पानी में इजाफा, राबता सड़कें जेरे आब, पानी करीबी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। कई इलाकों का जमीनी राबता मुनकता, गाड़ियां सैलाबी पानी में फंस गईं। सूरत हाल से निमटने के लिए झील का पानी दरियाए सिंध में छोड़ दिया गया। कीथर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश थमने के बाद नदी नालों की तोहयानी में कमी रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज के मुकाम पर दरमियाने और गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सुजावल, कंदकोट और बदीन के बाज़ इलाकों में अब तक बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। दादू की तहसील जोही का मुनकता रास्ता 3 दिन बाद भी बहाल ना हुआ। बारिशों के बाद हैदराबाद की शाहराहें टूट फूट का शिकार। वज़ीरे आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, इंतजामिया को फौरी पानी की निकासी का हुक्म। महकमे मौसमियात ने सिंध की साहिली पट्टी समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक नए सिस्टम के तहत 3 और 4 सितंबर को गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से काफ़ी आगे निकल गया। बलूचिस्तान के माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में जाने से गुरेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों में गुज़श्ता 3 रोज से ग़िज़ाई किल्लत, इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना। झलमक्सी में सैलाबी रेले से बड़े पैमाने पर नुकसानात। गबादर, रतुडेरो, वंगो शहरा और सनी शोरान का ज़मीनी राबता मुनकता हो गया। नोताल, गंदावा शहरा समेत तमाम राबता सड़कें मुतासर। सड़क किनारे मौजूद बेघर सैलाब मुतासरीन इमदादी सामान के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में 3 प्लान्स के तहत प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। देहात में 10 मरले, शहरों में 5 मरले तक रिहायशी प्लॉट के मालिकान 15 लाख रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। बड़े शहरों में सरकारी ज़मीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे, जो आसान अकसात से खुरंदाजी के जरिए लोगों को दिए जाएंगे। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में 3 से 5 मरले तक घर बनाकर दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब से अख़ुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। बिजली बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन पेश किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद, शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मजमूम अजायम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि शहीद मोहम्मद अली कुरैशी की जुरत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। कमांडर सदन कमांड ने कहा कि कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पूरी कौम को दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबले शिकस्त अज़्म की अलामत है। शहीद की कब्र पर भी हाजिरी, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल, शवाहिद मंजर आम पर। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत खारिजियों को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए सहूलतकारी फराहम कर रही है। फितना अल खवारिज के सरगना नूर वली और मज़ाहम महसूद अफगानिस्तान में मौजूद हैं।
दोनों दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए स्पेशल परमिट दिया गया। नूर वली महसूद को गाड़ी और असलहे के साथ सरकारी अफगान कार्ड भी इशू किया गया। दहशतगर्द मज़ाहम को भी अफगान अबूरी हुकूमत ने असलहा और गाड़ी का परमिट दिया। मज़ाहम का स्पेशल परमिट 22 जनवरी 2024 को जारी किया गया। दिफाई माहरीन का कहना है कि खारिजियों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर मिलिट्री पोस्ट के साथ रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल किया जाता है। क्या बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए बेहतर इंतखाब है? बरतानवी अखबार गार्डियन ने सवाल उठा दिया। आपने मजमून में लिखा, बानी पीटीआई ओसामा बिन लादिन को शहीद कहते हैं और उसे दहशतगर्द कहने से इनकारी हैं। तालिबान को गुलामी की जंजीरें तोड़ने पर मुबारकबाद देते हैं, लड़कियों की तालीम की मुखालिफत के तालिबान के फैसले की हिमायत करते हैं। बानी पीटीआई की बतौर चांसलर नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। मजमून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वोटर से सवाल किया गया कि क्या आप तालिबान दोस्त उम्मीदवार के लिए वोट करना चाहते हैं। गार्डियन के मजमून पर रद्दअमल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि इन सवालों का जवाब पीटीआई के रहनुमाओं के पास भी नहीं, ऐसे सवाल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़े हैं। पेशावर में मंकी पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक आलमी इदारे सेहत की जानिब से इमरजेंसी के निफाज के बाद ये पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला चौथा केस है। 47 साल शहरी को 29 अगस्त को बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने अलामात की बुनियाद पर आइसोलेट किया था। मुतासर शख्स खलीज मुल्क से आया था। डॉक्टर मुख्तार का कहना है कि तमाम एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का मौसर निज़ाम मौजूद है। विफाक और सूबे मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ ज़रूरी इकदाम को बरवक्त यकीनी बना रहे हैं। उधर कराची में मुश्तबा अलामात के 22 अस्पताल मुंतकिल किए गए शख्स का मंकी पॉक्स का टेस्ट मनफी आ गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में अब तक मंकी पॉक्स का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। दवाओं की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने से दवा साज कंपनीज की चांदी हो गई। दवाओं की कीमतें 25% बढ़ने और फरोख में 5% इजाफे के बायस दवा बनाने वाली कंपनीज ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 22% ज्यादा मुनाफा हासिल किया। हेल्थ केयर एनालिटिकल फर्म के मुताबिक कीमतों में इजाफा नॉन एसेंशियल दवाओं की कीमतों में हुकूमती कंट्रोल खत्म करने के बाद हुआ, जबकि हुकूमत ने फरवरी 2024 में 146 जरूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी किया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि मायूस होकर घर बैठे तो हुक्मरान बिजली गैस मजीद महंगी करेंगे। बादशाह सलामत ने 2 माह के लिए 14 रुपए की खैरात दी, हमें खैरात नहीं अपना हक चाहिए। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि सिर्फ शरीफ खानदान और करीबी लोगों की IPPs की कैपेसिटी पेमेंट खत्म होने से टैरिफ आधा हो जाएगा। जामे कराची के सिंडिकेट का वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी की सदारत में इजलास। तर्जुमान जामे कराची के मुताबिक सिंडिकेट इजलास में अनफेयर मीन्स कमेटी की जानिब से रिपोर्ट पेश। एक तालिबे इल्म की डिग्री और एनरोलमेंट की मनसूखी की सिफारिश की गई थी, अराकीन ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। सिंध पुलिस ने जामिया कराची सिंडिकेट के रुकन और एसोसिएट प्रोफेसर रियाज अहमद को 4 घंटे हिरासत में रखकर रिहा कर दिया। असातिज़ा अहलखाना और तलबा के थाने पहुंचने पर उन्हें रिहा किया गया। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि कई घंटों तक मुख्तलिफ थानों में घुमाया गया। तर्जुमान ईस्ट पुलिस का कहना है कि डॉक्टर रियाज को थाना आर्टिलरी मैदान में 2017 में दर्ज मुकदमे में बहादुराबाद थाने लाया गया। उन्होंने मुकदमे में बरी होने का बताया, तस्दीक होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का पीर के रोज़ क्लासेस के मुकम्मल बॉयकॉट और यौम स्याह का ऐलान। से हमारे घर ना बिल्कुल गैस नहीं आ रही। हमारे बच्चे हम इतना जलाते हैं, इतना किसी टाइम पे ना ये सिलेंडर में नहीं होती तो हमारे बच्चे स्कूलों में भूखे जाले जाते हैं। गैस जो है बिल्कुल नहीं आती, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, लकड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बिल जो है तारीख के मुताबिक आ जाते हैं। बिजली वाले हों गैस वाले हों, सुनते ही नहीं हमारी कोई भी बात। फिर हम धरना दे के बैठ जाएंगे चौक में तो फिर ही कहेंगे ये हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। सुई गैस के महकमे में भी हम 10 दफ़ा गए, सारी औरतें इकट्ठा होकर इतना एहतजाज किया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने गैस हमें नहीं मुहैया की।
लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहरीन ने LPG सिलेंडर उठाकर और हाथों में सुई गैस के बिल पकड़कर गैस दो के नारे लगाए। हुर्रियत की अलामत, कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा की याद में कश्मीर के अतराफ नाज़ियती रेफरेंस मुनक़द किए जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सैयद अली गिलानी अजीम रहनुमा थे। जम्मू कश्मीर के आवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनका अज़्म गैर मुतज़लज़ल था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कश्मीर के आवाम की आज़ादी और उनकी खुद इरादियत की जदोजहद के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी ने कश्मीरियों की जदोजहद हक खुद इरादियत के परचम को हमेशा बुलंद रखा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक निकालने। गाजा में अक़वामे मुत्तहिदा की इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। इसराइल का हमलों में वक्फा देने से साफ इनकार। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान भी इसराइली हमले मुसलसल जारी। कल से अब तक मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। रफा शहर में एक सुरंग से 6 इसराइली मकियों की लाशें बरामद। हमास का कहना है कि यरगमाली इसराइली हमलों में हलाक हुए। यरगमालियों के अहले खाना का आज तेल अबीब में बड़े मुजाहरे का ऐलान। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज का ऑपरेशन जारी। जिनीन कैंप में 5 रोज से मैसूर फलस्तीनी खुराक, पानी, बिजली और इंटरनेट से महरूम। बैरून शहर की चेक पोस्ट पर मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 3 इसराइली पुलिस अहलकार हलाक हो गए। दुनिया को गजा की मुश्किलात दिखाने वाले मशहूर फलस्तीनी टिकटॉकर 19 साल मेदो हलीमी इसराइली हमले में शहीद हो गए। मोहम्मद हलीमी अपने वीडियोस में गजा के पनाह गुजीन कैंपों में फलस्तीनियों के हालात से दुनिया को आगाह करते थे। मेदो हलीमी की शहादत पीर के रोज़ उस वक्त हुई जब इसराइल ने एक गाड़ी को निशाना बनाया। हमले के वक्त उनके साथ मौजूद दोस्त ने बताया कि वो वीडियो बना रहे थे कि अचानक धमाका हुआ और मेदो शहीद हो गए, जबकि वो खुद भी जख्मी हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की सदारत में चैंपियंस वनडे कप की तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास। मोहसिन नकवी का कहना है कि फैसलाबाद के शायकीन तवील अरसे के बाद बड़े खिलाड़ियों को अपने शहर में एक्शन में देख सकेंगे। उन्होंने फैसलाबादियों को खुशखबरी दी कि प्लेऑफ के 4 मैचेस के सिवा पूरे इवेंट में स्टेडियम में शायकीन के लिए दाखिला मुफ्त होगा। बीस फीसद पाकिस्तानी गैर शादीशुदा, 80% ने शादीशुदा होने का कहा। शादीशुदा पाकिस्तानियों में खवातीन और देही आबादी की शरह ज़्यादा। गैलप पाकिस्तान के नए सर्वे के मुताबिक शहरों में 75%, देहातों में 83% ने शादीशुदा होने का कहा। मर्दों की नस्बत खवातीन में शादीशुदा होने की शरह 12% ज़्यादा देखी गई। सर्वे में 30 साल की उम्र के 56%, जबकि 50 साल से ज्यादा उम्र के 96% पाकिस्तानियों ने शादीशुदा होने का कहा। शादी को कितना अरसा हो गया, इस सवाल पर 30% ने 5 से 10 साल गुजरने, 17% ने 2 से 5 साल, 17% ने 10 से 15 साल, जबकि 13% ने शादी को 25 साल से ज्यादा अरसा गुजरने का बताया। बैन अवी गैलप सर्वे के मुताबिक मर्द शादी के बाद ज़्यादा खुश रहते हैं, और अगर ऐसा है और आप भी खुश रहना चाहते हैं तो दिल का रिश्ता ऐप अभी डाउनलोड करें, जहां मौजूद लाखों रिश्तों ने शादी को बहुत आसान बना दिया है। और हंजा में जिंदगी के सारे रंग से मनाए फेस्टिवल, खेल, मौज मस्ती, मौसम, खूबसूरती और हल्ला गुल्ला। चाराए कराकरम के बलखाते ट्रैक पर हंजा मैराथन में गैर मुल्की सयाह भी शरीक हुए। 300 अफराद की शिरकत ने मैराथन को 4 चांद लगा दिए। लड़कियों की भी भरपूर शिरकत। 21 किलोमीटर कैटेगरी में फैजान फैज कामयाब रहे। खवातीन की 10 किलोमीटर रेस निदा करीम ने जीत ली। इवेंट के अख्ताम पर सकाफती रक्स भी पेश किया गया।